इजराइल का साइबर युद्ध, जल जाएगा सारा लेबनान। जिसे हाथ लगाएगा हिजबुल्ला वो बन जाएगा बारूदी बम। नेतन्याहू की यूनिट 8200, सबसे बड़ा हमला अब होगा। नेतन्याहू की गिरफ्त में खामनेई का सुपारी किलर। ये युद्ध इजराइल में हमास के नरसंहार से शुरू हुआ था। हमास से इजराइल ने बदला लेना शुरू किया तो बम बारूद के धमाके होने लगे। फिर इसमें ईरान समर्थक हिजबुल्ला और हूती भी शामिल हो गए। इजराइल के दुश्मनों ने रॉकेट और मिसाइलों से हमले किए। जवाब में इजराइल ने जंगी जेट के साथ फाइटर ड्रोन भी इस्तेमाल किए। लेकिन पारंपरिक हथियारों से शुरू हुआ युद्ध अब सबसे भयानक और भीषण हथियारों के दौर में पहुंच गया है। यह आधुनिक दौर का सबसे भयानक और भीषण साइबर वॉर है, जिसमें हिजबुल्ला लड़ाके बेमौत मारे जा रहे हैं, वो भी बिना सीधे हमले के। इजराइल सेना की यूनिट नंबर 8200 ने ये बारूदी भी साथ बिछाई, जिससे हिजबुल्ला, हमास और हूती ही नहीं, ईरान की भी हेक कर दी। इजराइल के हमले की धार देखिए, ताबड़तोड़ और अंधाधुंध अटैक का तूफान आया हुआ है। पेजर बम धमाके में मारे गए हिजबुल्ला कमांडर के जनाजे का ये दृश्य देखिए। अपने लड़के का मातम मना रहे नसरुल्ला के फाइटर्स को अंदाजा भी नहीं था, इस जनाजे में भी डेथ ट्रैप बिछाया गया। एम्बुलेंस के करीब भारी भीड़ के बीच जब ब्लास्ट हुआ तो तहलका मच गया। इजराइल ने 3 दिन में 3 डिवाइस के इस्तेमाल से हिजबुल्ला लड़ाकों को मौत पाटी। लेबनान में 3 दिन में धमाकों के 3 तरीके। पहला हमला मंगलवार 17 सितंबर को करीब 3000 पेजर में ब्लास्ट से हुआ, जिसमें हिजबुल्ला के 12 लड़ाके हलाक हुए और करीब 3000 घायल हुए। दूसरा हमला बुधवार 18 सितंबर को हिजबुल्ला फाइटर्स के वॉकी टॉकी में धमाकों के साथ हुआ। इसमें नसरल्ला ब्रिगेड के 20 फाइटर्स मारे गए और करीब 450 घायल हुए। लेबनान में तीसरा हमला गुरुवार 19 सितंबर को सोलर सिस्टम में धमाके के साथ शुरू हुआ है, जिसमें 6 के घायल होने की जानकारी है। हिजबुल्ला फाइटर बैटरी से चलने वाली जिस भी डिवाइस को छू रहे हैं वो जोरदार धमाके से उनके चीथड़े उड़ा दे रही। डिवाइस ब्लास्ट से बचने वाले हिजबुल्ला फाइटर्स को नेतन्याहू के आसमानी योद्धा मिट्टी में मिला रहे। بخصوص موضوع الشهداء نحن اخر رقم عند وزاره الصحه بخصوص الشهداء اللي سقطوا باعتداءات البارحه كانت 25 شهيد. نحن حتى الان في عندنا 25 شهيد. الرقم اللي كنا اصدرناه امبارح بالليل اخر واحد كان 20، نحن الرقم اللي هلا عندنا 25 شهيد. इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान के 6 शहरों में बारूदी जलजला ला दिया है। इजराइल एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान के चिहने, तैबे, बिलिडा, मीसल जबल, एतरॉन और कफरकेला इलाके को धुआं धुआं कर दिया है। इजराइल के आर्मी चीफ ने दावा किया है कि हिजबुल्ला पर हमले का ये सिर्फ ट्रेलर भर है, पूरी पिक्चर का क्लाइमेक्स हिजबुल्ला और नसरल्ला के खात्मे से शुरू होगा। ईरान समर्थित जितने भी फाइटर ग्रुप हैं, इजराइल उन सब से गिन गिन कर बदला लेने के लिए तैयार है। इजरायली सेना प्रमुख जनरल हर्जी हलेवी ने यह भी दावा किया है कि इजरायली हमले के कई खौफनाक तरीके अब भी आजमाए जाने बाकी हैं। אנחנו מאוד נחושים לייצר את התנאים הביטחוניים שמחזירים את התושבים לבתים, ליישובים, ברמת ביטחון גבוהה, ואנחנו מוכנים לעשות באמת כל מה שנדרש כדי להביא את הדברים האלה. אנחנו כמעט שנה, לאורך כל המלחמה, נלחמים בעזה, 2 מטרות מרכזיות, יש עוד. פירוק החמאס, השבת החטופים. इजराइल ने हिजबुल्ला को जड़ से खत्म करने का वॉर प्लान बना लिया है। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना के नॉर्दर्न कमांड ने ताबड़तोड़ हमले कर नसरल्ला आर्मी को उलझाए रखने की रणनीति आजमाई है। वहीं हिजबुल्ला पर डायरेक्ट अटैक का मिशन इजराइल के सबसे खूंखार सोल्जर कहे जाने वाली यूनिट 8200 से वॉर जोन में उतार दिए गए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल के सीक्रेट एजेंट्स ने, जो यूनिट 8200 में शामिल है, उन्होंने बीते 3 दिन में नसरल्ला और ईरान को सदमे में ला दिया है। नेतन्याहू के ये किलर एजेंट इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हिस्सा नहीं है।
यूनिट 8200 के मेंबर इजराइल की सेना के सबसे तेज और खूंखार कमांडर हैं। इस यूनिट में खास सैनिकों की भर्ती होती है जिनकी जिम्मेदारी इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की भी होती है। यूनिट 8200 का इजरायली सेना से लेना देना नहीं है, ना ही ये एजेंट मुसाद के लिए काम करते हैं। यूनिट 8200 के एजेंट दुश्मन पर लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद हमले की प्लानिंग करते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूनिट 8200 सीधे नेतन्याहू को रिपोर्ट करती है। हिजबुल्ला को दहलाने के लिए यूनिट 8200 के एजेंट्स ने ऐसी प्लानिंग की जिसकी कल्पना भी नसरल्ला और खामनेई ने नहीं की थी। यूनिट 8200 ने पता लगाया कि हिजबुल्ला लड़ाके पेजर और वॉकी टॉकी के इस्तेमाल के जरिए ही आपस में बात करते हैं, जिसे यूनिट 8200 ने बम में बदल दिया। दुश्मन की सोच जहां खत्म होती है, इसराइल की यूनिट 8200 के एजेंट वहीं से उनकी तबाही की स्क्रिप्ट लिखना शुरू करता है। तबाही ऐसी जिसे देख दुनिया दहल जाए। हिजबुल्ला सीरियल डिवाइस अटैक से दहल रहा है, जिसकी अगली कड़ी में बैटरी से चलने वाली कई चीजें इसराइल का बारूदी हथियार बन सकती है। पेजर बम, वॉकी टॉकी बम, सोलर बम, रेडियो बम, गाड़ी बम, मोटरसाइकिल बम, रिमोट बम। लेबनान में हो रहे वॉकी टॉकी ब्लास्ट पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, ये सुनिए। ये नॉर्मल वॉकी टॉकी है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। इस वॉकी टॉकी के अंदर जो भी बैटरीज हैं या फिर जो फ्रिक्वेंसी मैच करने वाली जो मशीन है, वो सब निकाल के इसमें रखी हुई हैं। अब वॉकी टॉकी में अगर ब्लास्ट करना है तो दो तरीके होते हैं, वो हम फ्रिक्वेंसी एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से ये वायर है, इसमें सब कुछ अटैच किया हुआ है, ये वॉकी टॉकी की बैटरी है और ये बारूद यहाँ पर लगाया गया है। अगर ये वॉकी टॉकी को इस्तेमाल कर रहा है तो अगर बारूद के जरिए धमाका करना है इस वॉकी टॉकी में, तो इसमें ये बारूद इंस्टॉल किया जाता है और सामने वाला जो वॉकी टॉकी को इस्तेमाल कर रहा है उसे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहता है कि उसके वॉकी टॉकी में बारूद है और किस तरीके से एक डेटोनेटर की तरह से ये बैटरी हीट होती है, आग निकलती है और जो ये बारूद मैंने आपको दिखाया वो किस तरीके से ब्लास्ट होता है। ये सिर्फ हम डेमो के लिए दिखा रहे हैं कि एक छोटा सा बारूद जो दिवाली में हम पटाखा यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट होते हैं उसमें अलग तरीके का बारूद डालते हैं ताकि वो एक्सप्लोजिव हो और लोगों की जान चली जाए। लेबनान में बचे बारूदी कोहराम में इसराइल ने अपने रोल की अब तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन नेतन्याहू आर्मी ने ये साफ किया है कि ईरान को जवाब देने का वक्त करीब है, क्योंकि इसराइल डिफेंस फोर्स के हत्थे खामनेई का सुपारी किलर चढ़ा है। इसराइल का नागरिक ईरान के लिए तेल अवीव में नेतन्याहू की सुपारी लेकर काम कर रहा था। जिस डबल एजेंट को IDF ने दबोचा है उसकी डिटेल ये है। 73 साल का मोती ममन इसराइल के अश्कलोन का रहने वाला है। मोती ममन कारोबारी बनकर तुर्की में लंबे वक्त तक रह चुका है। हेनरी फारूक असलान और जुनेद असलान नाम के तुर्की के नागरिकों ने मोती ममन की मुलाकात ईरान के कारोबारी एडी से करवाई थी। तुर्की में ही मोती ममन को ईरानी एजेंट्स ने इसराइल के खिलाफ भड़काया और नेतन्याहू की सुपारी दी गई। मोती ममन को जो मर्डर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसमें नेतन्याहू के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और कई हाई प्रोफाइल नाम शामिल हैं। אירוע שמציב רף חדש של חומרה ושל תעוזה שכמוהו לא הכרנו. אנחנו מדברים על ישראלי שבזמן מלחמה, בעת הכי קשה של מדינת ישראל, נכנס לתוך איראן, מקיים ישיבה עם גורמי מודיעין איראנים, והם מציעים לו לא פחות מלחסל גורמים בכירים במדינת ישראל, את ראש הממשלה בנימין נתניהו, את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, את ראש השבק, ובחירים נוספים, והכל תמורת סכומי כסף גבוהים, פעילות נחושה ומהירה. ایران اسماعیل ہانیہ کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے. ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی نے یہ اوپن اعلان کیا ہے کہ حمس کے پورو چیف کے ہتھیاروں کو نہیں بخشا جائے گا. لیکن ایران اب تک اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا ہے. وہیں حماس اسرائیل سے اب تک یدھ میں ملی مار کا حساب چکانا چاہتا ہے، جبکہ اس کی بھی جم کر پٹائی جاری ہے. उधर हिजबुल्ला हमास के लिए युद्ध में उतरा, लेकिन अब उसके सफाए का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल अकेले सभी दुश्मनों पर भारी पड़ रहा है। चार फ्रंट पर नेतन्याहू दुश्मनों को दहला रहे हैं, लेकिन डिवाइस ब्लास्ट भर से ईरान को हरा पाना मुमकिन नहीं। ईरान की साइबर आर्मी भी बेहद ताकतवर मानी जाती है। ईरान ने अब तक साइबर अटैक शुरू नहीं किए हैं। ईरान समर्थित खूंखार फाइटर्स ने
साइबर युद्ध शुरू किया तो इसराइल का बचना मुश्किल है। सुपर पावर अमेरिका के युद्ध में आने की यही एक मजबूरी भी होगी।